इकरा ग्रुप ऑफ स्कूल्स के इकरा इंटरनेशनल स्कूल में नीट और JEE की मुफ्त कोचिंग के लिए अहलियती इम्तिहानात जारी हैं। 12 फरवरी को नांदेड़ जिले के मुख्तलिफ ताल्लुक जात के बाद 19 फरवरी को शहर के स्कूल्स की लड़कियों ने इस एंट्रेंस इम्तिहान में हिस्सा लिया। ख्याल रहे कि गुलजार एजुकेशन सोसाइटी की सदर मोहतरमा फरज सुल्ताना बाजी और सेक्रेटरी हुसामुद्दीन फहीम ने इकरा इंटरनेशनल स्कूल्स में लड़कियों के लिए इकामती दर्जगाह शुरू करने का फैसला लिया, जिसमें इन तालिबात को मुफ्त JEE और नीट की तालीम दी जाएगी। स्कूल्स की ओर से मुनक्कद किए गए इन इम्तिहानात को तालिबात की जानिब से मुस्बत रद्देमल हासिल हुआ और इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाली लड़कियों और इनके वालिदैन ने स्कूल की इस पहल को काबिल सताइश करार दिया। I am Mayradeen from Iqra International IAES, as we know. And today I am here. I also participated in this event, means today's program, or we can say examination, which is for the residential school. So means today I saw new Iqra International School, means the different from the campus. Means here some features, some facilities are increased, like of staying here, night stay, and of canteen also. Canteen also have developed, and I have seen a very first visit. My first visit of canteen was now only, and I saw new international. It is very fabulous, and if in my views, today's exam was also fabulous. Means also very good, and the students who wanna qualify was. Really will be having a good life and a very good education also, because the teachers and staff here are really very cooperative and really very nice. And according to me, I'm studying here from 4th standard, so according to my views, my experience, this is the best school I've ever seen. So if I recommend you also, to if you wanna come here, so this is a residential school is the best option. So thank you. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. हमारा प्रोग्राम जैसा कि 12 तारीख को पहला पड़ाव था, 12 तारीख में कम बेश हमारे पास 200 पार्टिसिपेंट्स थे जो कि नॉन मुस्लिम स्कूल से आए, और इसके अंदर हमारे गौड़े सर की, लांडगे सर की, लोकरे सर की बहुत मेहनत रही। कैंपस के अंदर गए हैं वो खुद, और वहां पर जाकर के ऐसी लड़कियां जो 75 प्लस की हैं, ऐसे कम बेश सर ने 500 फॉर्म्स वहाँ से लेकर आए थे, और जिसके अंदर से 200 लड़कियाँ पार्टिसिपेंट की हैं, और उसके अंदर हमने एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम के अंदर 100 लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्होंने मोर देन 75% मार्क्स सिक्योर किए हैं, और आज 19 तारीख को हमारे जो लड़कियों ने, लगभग 250 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, और ये भी लड़कियां वो हैं जिन्होंने 75 प्लस मार्क्स लिए हैं 9th में, और वो 10th अपियरिंग हैं। उनके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात मेरी उनके साथ हैं कि वो 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से हासिल करते हुए यहाँ की भी सीट सिक्योर करें। और रही बात, एक आज नया क्वेश्चन ऐसा अराइज़ हुआ कि कुछ लड़कियों का बोलना ये था कि भाई हम प्रॉपर के हैं, यहाँ पर क्यों रहेंगे। तो मुझे ये बोलना है ऐसी लड़कियों के लिए, भाई कम बेश जाने के लिए आधा घंटा, एक घंटा लग रहा है, और आने के लिए एक घंटा लग रहा है। इस तरीके से 2 घंटे तो सिर्फ और सिर्फ जाने और आने में लग रहे हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि आप अगरचे हमारे पैरामीटर्स पे उतरते हैं, 24 आवर्स अगरचे आप हमको देते हैं यहाँ पे, तो देन एंड देन ओनली वी विल अलाउ टू सिट ओवर हियर। तो होता कैसा है, ये टाइम की सेविंग होगी, और जाने आने में वैसे जो भी वैन का खर्च वगैरह लगेगा वो भी बच्चियों को नहीं लगेगा, और बच्चियां जब फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर के यहाँ पे पढ़ेगी, क्योंकि तो हमारा जो उस मॉर्निंग का टेन्यूर है वो मॉर्निंग 5 o'clock से स्टार्ट हो रहा है। अब लड़की को पॉसिबल नहीं है उठ के कि 5 बजे उठ के यहाँ पर लाया जाए। इस तरीके से हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे प्रॉपर के, प्रॉपर नांदेड़ के, जो हमारे पास कैंपस में 24 आवर्स रह करके अगर स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम वेलकम करेंगे। हॉस्टेल आणि एज्युकेशन 10वी पास झालेल्या मुलींना शिकवायचं आहे, मग मी लगेच त्यांना हू भरलो आणि पूर्ण 16 तालुक्यामध्ये दौरे करून त्यांना चांगल्या, म्हणजे 80%च्या वरच्या मुलीला इकरामध्ये जे आहे ना, फुकट ट्युशन आणि फुकट राहणीमान, राहण्याची सोय, खाण्याची सोय, आणि तिथं ट्युशनची सोय, आणि कोट्यासारखा, म्हणजे राजस्थानमध्ये कोटाचे जे ट्युशन असतात त्या पद्धतीनं जे आहे ना इकरा आहे। संस्थेचे अध्यक्ष आमचे डॉक्टर फहीम साहब ह्यांनी असं माझं सुचिल्याच्यानंतर मी स्वतः माझी स्वतःची गाडी घेऊन 15 ते 20 दिवस आम्ही दौरा केलोत, आणि ते 80% मुली, वरच्या मुलीला इथं परीक्षा घेऊन उत्तीर्ण होण्यासाठी जे आहे ना आज परीक्षा झालेली आहे 12 आणि 19, आणि मी इकराचं
असंच जर समजा ही संस्था जर चालली तर आपल्या इथून यांना बरेचसे पुढच्या वर्षी डॉक्टर होण्याची शक्यता आहे. डॉक्टर गुलजार एज्युकेशन सोसायटी एखरा ग्रुप ऑफ स्कूल्स वुड लाईक टू कन्वे माय मेसेज ऑन दिस टाईम द व्हॅल्युएबल टाईम अँड द मेमोरेबल टाईम दॅट पेरेंट्स अँड द स्टुडंट्स दे मस्ट नो अबाउट द बेस्ट थिंग्स अबाउट द गुड थिंग्स अराउंड दॅम अँड प्लीज चूज द बेस्ट वन वाय बिकॉज ऑल युअर ओन युअर फॉर द फ्युचर इट्स डिपेंडिंग ऑन ऑल दिस थिंग्स. Dear friends, would like to just inform you, the one who has not appeared over here in this examination on the 19th and the previous one of the 12th, now again we are going to provide them a new best opportunity after their 10th examinations. On the second of April, we are going to organize one more test. You are welcome. Thank you. Jazakallah. ICRA International Educational Residential Campus has come up with this kind of idea, wherein Dr. Fahim sir has came up with this kind of idea, where the aspirants, girls students especially, those who are aspirant for to go for NEET and JEE, especially this program has been designed for those particular girls across Maharashtra. Across Maharashtra, the meritorious students among this area are chosen by this particular entrance test, and we hope this program will continue in the next year also. Thank you.